स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के वीडियोस दे रहा हूं और मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की जो सीरीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स की, ख़ास तौर से PGT और जो सुपर टेट की परीक्षा होने वाली है, साथ ही साथ अन्य जो आगामी परीक्षाएँ हैं जो अंग्रेजी विषय से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण जो राइटर्स हैं उनसे कनेक्टेड जो इम्पॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ है उसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ निसिम एज़किल साहब को। ये अगर मैं बात करूँ तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में एक ट्रेंड सेट करने वाले पोइट हमारे निसिम एज़किल कहे जाते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द लाइन्स आई एम फोर्स्ड बाई द फाइव सेंसेस टू फियर द फाइव सेंसेस आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो लिखी है, आई एम फोर्स्ड बाई द फाइव सेंसेस टू फियर द फाइव सेंसेस, ये ली गई है किस पॉइंट से ली गई? ए यूलिसस, बी हाइम्स इन डार्कनेस, सी द विजिटर और डी द लुकिंग ग्लास। और ये क्वेश्चन आपका आया है PGT 2016 में। तो साहब, निसिम एज़किल की पोएम है हाइम्स इन डार्कनेस, जिसका पब्लिकेशन हुआ है 1924 में। कब हुआ साहब? 1924 में इस पोएम का पब्लिकेशन हुआ है हाइम्स इन डार्कनेस का। उसमें ये लाइन आई है, आई एम फोर्स्ड बाई द फाइव सेंसेस टू फियर द फाइव सेंसेस। इज इट क्लियर? तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द नैरेटर्स फादर इज मेंशनड नॉट एज समवन। निसिम एज़किल साहब की मोस्ट फेमस पोइम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोइम में जो नैरेटर है उसके पिता को जो मेंशन किया गया है वह मेंशन नॉट एज समवन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जो उसके नैरेटर के पिता में नहीं दिखाया गया? सेप्टिक, ए ऑप्शन, बी रेशनलिस्ट, सी ऑप्शन ट्राइंग एवरी कर्ज एंड ब्लेसिंग और डी एनालाइजिंग कर्म एक्सप्लिसिटी। तो साहब, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एनालाइजिंग कर्म एक्सप्लिसिटी। ठीक है ना? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में, इज इट क्लियर? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है और ये क्वेश्चन 2016 PGT से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, एज एन एडिटर निसिम एज़किल वाज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स। यानी कि एक एडिटर के रूप में निसिम एज़किल, इनमें से जो चार पीरियोडिकल्स के नाम लिखे हैं, इनमें से कौन सा पीरियोडिकल ऐसा है जिसमें कि निसिम एज़किल साहब ने वर्क नहीं किया है या उनका नाम नहीं जोड़ा जाता? ए ऑप्शन क्वेस्ट, बी ऑप्शन इम्प्रिंट, सी ऑप्शन पोइट्री इंडिया और डी ऑप्शन ओपिनियन। ये है आपका PGT 2016 का क्वेश्चन। तो मैं यहाँ बता दूँ कि निसिम एज़किल साहब जो हैं उन्होंने पोइट्री इंडिया के लिए एडिटिंग की है 1966 से 1967 तक, क्वेस्ट के लिए की है 1955 से 57 तक और इम्प्रिंट के लिए की है 1961 से 1970 तक। तो सिर्फ एक बसता है आपका ओपिनियन, तो ओपिनियन से निसिम एज़किल का संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ओपिनियन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निसिम एज़किल वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन। निसिम एज़किल साहब को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, वह उनके किस पोइट्रिक कलेक्शन के लिए इन्हें दिया गया था? ऑप्शन ए टाइम टू चेंज के लिए, ऑप्शन बी द एग्जैक्ट नेम के लिए, ऑप्शन सी हाइम्स इन डार्कनेस के लिए या ऑप्शन डी लेटर डे पाम्स के लिए। और ये भी क्वेश्चन आपका PGT 2016 में पूछा गया है और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि लेटर डे पाम के लिए निसिम एज़किल साहब को 1983 में क्या मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निसिम एज़किल बिलोंग टू द कम्युनिटी। निसिम एज़किल जो हैं वह किस कम्युनिटी के हैं? क्रिश्चियन कम्युनिटी के, पारसी कम्युनिटी के, ज्यूस कम्युनिटी के या मुस्लिम कम्युनिटी के? तो भैया, निसिम एज़किल साहब जो हैं उनका संबंध जो है
वह है हमारा ज्यूइश कम्युनिटी से, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी ज्यूइश, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ हिज पोएम डिड निसिम एजकल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स, यानी कि निसिम एजकल साहब ने अपनी किस पोएम में लव एंड सेक्स के बारे में बात की है। तो ऑप्शन ए है 60 पोएम्स, ऑप्शन बी है द एग्जैक्ट नेम, ऑप्शन सी है हाइम्स इन डार्कनेस, और ऑप्शन डी है आपका पैशन पोएम्स। तो भैया अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 60 पोएम्स। तो 60 पोएम्स निसिम एजकल की ऐसी है जिसमें कि उन्होंने लव और सेक्स के बारे में चर्चा की है, और ये आपका पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक कमेंट है, हिज पोइट्री कम्स आउट ऑफ हिज रिएक्शंस टू हिज एनवायरमेंट एंड ही जस्टेपोसिस ओल्ड एंड न्यू बाय सेलिंग पीसेंट सुपरस्टिशन अगेंस्ट मॉडर्न सेप्टिसिज्म। दिस इज ए कमेंट ऑन एजकल एंड वन ऑफ हिज पर्टिकुलर पोएम, विच वन इज इट। यानी कि ये कमेंट जो है वह निसिम एजकल साहब की एक निश्चित पोएम के लिए किया गया है, और उस पोएम का आपको नाम बताना है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, देखिए पीसेंट सुपरस्टिशन इसमें शब्द आया है, पीसेंट सुपरस्टिशन, पीसेंट किसान सुपरस्टिशन, यानी कि हम सब जानते हैं कि अंधविश्वास। तो आप जब देखेंगे तो अंधविश्वास और ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो निसिम एजकल की पोएम इसके लिए है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में ये सब चीज़ें आई हैं। तो ये ऑप्शन डी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन आपका राइट है, और ये पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज निसिम एजकल पोएम बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट्स, निसिम एजकल साहब की पोएम है बैकग्राउंड कैजुअली, वह रिफ्लेक्ट करती है, प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है? ए ऑप्शन हिज फीलिंग एलिनेशन, हिज लव फॉर रूरल इंडिया, हिज लव फॉर रिलीजन, या नन ऑफ द एबव, पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। तो निसिम एजकल की पोएम बैकग्राउंड कैजुअली जो है वह एलिटरेशन की भावना को व्यक्त कर, एलिनेशन की भावना को व्यक्त करती है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ निसिम एजकल, निसिम एजकल का संबंध किस रेस से है, यानी कि वह किस धर्म से कनेक्टेड हैं? तो अभी अभी आ चुका है। तो देखिए, ए बेने इसराइल, बी इंडियन क्रिश्चियन, सी द्राविडियन, और डी लैटिन अमेरिकन, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 का है। तो देखिए, अभी आया था तो मैंने आपको बताया था ज्यूइश कम्युनिटी से ये कनेक्ट है, और ज्यूइश कम्युनिटी जो इंडिया में है उसको बेन इसराइल कहा जाता है, तो इसका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ एजकल, इनमें से कौन सा वर्क जो है वो एजकल ने लिखा? ए ऑप्शन ए टाइम टू चेंज, बी ऑप्शन रफ पैसेज, सी ऑप्शन समर, और डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो भैया टाइम टू चेंज जो पोएम है वह निसिम एजकल साहब ने लिखी है, जिसका पब्लिकेशन 1952 में हुआ है, तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ए टाइम टू चेंज। नाउ, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 का है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 आपसे पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वॉज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, इन चार राइटर्स में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लेखक है जो कि बाई प्रोफेशन एक प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटी के। ए ऑप्शन कमलादास, बी ऑप्शन मुल्कराज आनंद, सी ऑप्शन निसिम एजकल, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, पीजीटी 2000 का ये क्वेश्चन है आपका, और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी निसिम एजकल साहब, एज ए प्रोफेसर इन्होंने वर्क किया है, यानी कि ये प्रोफेसर थे इंग्लिश के, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन बाई, अभी अभी बैकग्राउंड कैजुअली से ये क्वेश्चन आया था, तो अब आपसे पूछा गया उसी बैकग्राउंड कैजुअली से दूसरा क्वेश्चन कि बैकग्राउंड कैजुअली जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो डायरेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी निसिम एजकल के द्वारा, और पीजीटी 2000 का ये
क्वेश्चन है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निसिम एजिकल इज ए बॉर्न. निसिम एजिकल इज ए बॉर्न. क्या है बॉर्न? बॉर्न से निसिम एजिकल इज ए बॉर्न ब्रिटिश, अमेरिकन, स्विस या ज्यू? तो तीसरी बार आया है ये मिलता जुलता क्वेश्चन. तो भैया सीधा सीधा आंसर है इसका ऑप्शन डी. भाई निसिम एजिकल इज ए बॉर्न ज्यू, यानी कि पारसी धर्म में से हैं ये, और पीजीटी 2009 का ये क्वेश्चन है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द पोइम एंटरप्राइज. एंटरप्राइज पोइम के एंटरप्राइज पोइम जो है उसके लेखक का नाम आपको बताना है. चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कमला दास, एजिकिल, रामानुजन या नन ऑफ देम. पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है और डायरेक्ट आंसर है आपका एजिकिल. निसिम एजिकिल की पोइम है एंटरप्राइज. ये एक सैटायरिक पोइम है जो कि नैतिकता के साथ सैटायर करती है, ठीक है ना. अगला क्वेश्चन है आपका द थीम ऑफ एलिनेशन इज सेंट्रल टू द पोइट्री ऑफ. अभी हमने बैकग्राउंड कैजुअली की बात की थी, तो बैकग्राउंड कैजुअली मैंने आपको बताया था फीलिंग ऑफ एलिनेशन उसमें दिखाई है निसिम एजिकिल साहब ने. तो अगला क्वेश्चन उसी से लगभग मिलता जुलता कि एलिनेशन की थीम जो है वह किसकी पोइट्री में हमें मुख्य तौर पर देखने को मिलती है. पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है. ऑप्शन है आपके निसिम एजिकिल, कमला दास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन. तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए. निसिम एजिकिल साहब की पोएम की जो थीम होती हैं वो एलिनेशन से कनेक्टेड होती हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16. हु इज बिटन बाई द स्कॉर्पियन इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. निसिम एजिकिल साहब की पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है उसमें स्कॉर्पियन किसको डंक मारता है? पोइट को, नैरेटर को, मदर को, माँ को, द फादर या पिता को? पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है और राइट आंसर है मदर को, ठीक है ना, माँ को डंक मारता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ऑफ ए ज्यूइश ऑरिजिन. इनमें से कौन सा राइटर ऐसा है जो कि जिसकी उत्पत्ति ज्यू धर्म में हुई? कमला दास, आर के नारायण, निसिम एजिकिल, नन, सबको इसका आंसर पता है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें. पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है ये. अगला क्वेश्चन आपका आया हु रोट दीज लाइन्स. ये पंक्तियां किसने लिखी? हु रोट दीज लाइन्स, ये पंक्तियां किसने लिखी? पंक्तियां सुनिए. आई कैन नॉट लीव दिस आईलैंड. आई कैन नॉट लीव दिस आईलैंड. I was born here and belong. I was born here and belong. ऑप्शन सुन लीजिए, कमला दास, बी ऑप्शन टी एस एलियट, सी ऑप्शन बिटमैन और डी ऑप्शन एजिकिल. और ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 का आपसे पूछा जा रहा है और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि एजिकिल साहब. एजिकिल साहब की पोएम में ये लाइन आई है, आई कैन नॉट लीव दिस आईलैंड, I was born here and belong. क्लियर साहब? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोइट्स वाज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी. इन चार राइटर्स में से ऐसा कौन सा लेखक है जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की भूमिका जिन्होंने निभाई? जयंत महापात्रा, ए के रामानुजन, निसिम एजिकिल, के के एन दारूवाला. पीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है निसिम एजिकिल, जो कि मीठीबाई कॉलेज जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है उसमें ये एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में इन्होंने सेवाएं दी अंग्रेजी विषय में, ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज ए पोएम बाई. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोइम किसकी है? सबको पता है, पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है और निसिम एजिकिल साहब की ये पोइम है जो मोस्ट फेमस पोइम है एजिकिल साहब की. अगला क्वेश्चन आपका है इन इंडिया बाई निसिम एजिकिल डेपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन. अगर हम भारत की बात करें तो निसिम एजिकिल साहब की जो पोइट्री हैं वो अपना संबंध कैसे दर्शाती हैं? लिटरेचर एंड सेक्स से, लिटरेचर एंड एनवायरमेंट से, लिटरेचर एंड साइंस से या लिटरेचर एंड वॉर से? तो साहब निसिम एजिकिल की पोएम जो होती हैं वो संबंध दर्शाती हैं, डिपिक्ट करती हैं, वो है लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट. ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है. पीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल थीम ऑफ निसिम एजिकिल्स वर्क इज. निसिम एजिकिल के जो वर्क हैं उनकी मुख्य थीम क्या होती है? ठीक, ए ऑप्शन सोशल रिफॉर्म, बी ऑप्शन पेट्रियोटिज्म,
सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन, पीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन है। तो निसिम स्केल की पोएम जो होती हैं उनकी सेंट्रल थीम होती है सोशल रिफॉर्म, यानी कि समाज सुधार। क्लियर साहब? अगली आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ईयर निसिम एजकिल बॉन पद्मश्री अवार्ड, किस वर्ष में एजकिल साहब को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी 1988। तो साहब निसिम एजकिल साहब को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 1988 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द नेम ऑफ निसिम एजकिल्स वाइफ? निसिम एजकिल की वाइफ का नाम आपको बताना है। ए ऑप्शन स्टेला, बी ऑप्शन मारिया जैकब, सी ऑप्शन डेजी जैकब, डी ऑप्शन नन। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि डेजी जैकब से इनका विवाह हुआ है निसिम एजकिल साहब का 1952 में, 1952 में ये विवाह हुआ था 1952 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज हुज वर्क इज द थर्ड वर्क के लेखक कौन है? आर एन टैगोर, कमला दास, राजा राव, निसिम एजकिल। तो द थर्ड की अगर मैं बात करूं तो द थर्ड एक पोइटिक कलेक्शन है निसिम एजकिल साहब का, जिसका पब्लिकेशन 1959 में हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका आता है निसिम एजकिल, और पब्लिकेशन कब है? 1959 में। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर एजकिल्स वर्क द अनफिनिश्ड मैन पब्लिश्ड? एजकिल साहब का वर्क, ये भी पोइट्री कलेक्शन है, अनफिनिश्ड मैन का पब्लिकेशन कब होता है साहब? 1950 में, 1955 में, 1960 में, 1965 में। तो साहब इसका पब्लिकेशन होता है 1960 में, 1960 में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, इन विच ईयर एजकिल्स वर्क द एग्जैक्ट नेम पब्लिश्ड? एजकिल साहब का फेमस वर्क द एग्जैक्ट नेम जो है उसका पब्लिकेशन कब हुआ? 1965, 1966, 1967 या 1968। तो साहब का एग्जैक्ट नेम जो है उसका पब्लिकेशन हुआ है 1965 में। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द नेम ऑफ निसिम एजकिल्स फादर? निसिम एजकिल के पिता का नाम क्या था? विल्सन एजकिल, मोसेस एजकिल, विलियम एजकिल या नन। तो साहब राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, मोसेस एजकिल नाम था निसिम एजकिल के फादर का। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ एजकिल? एजकिल साहब की पहली बुक का नाम आपको बताना है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द एग्जैक्ट नेम, द बैड डे या अनफिनिश्ड मैन। तो भैया पहली बुक जो थी वो थी इनकी द बैड डे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, द बैड डे। अगला है, इन विच ईयर एजकिल्स वर्क द बैड डे अपीयर्ड? किस वर्ष में एजकिल साहब का वर्क द बैड डे जो है वह सामने आया, अपीयर हुआ? 1951 में, 1952 में, 1955 में या 1957 में। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका 1952 में इसका पब्लिकेशन होता है। 1952 में ही टाइम टू चेंज जो इनकी पहला पोइट्री कलेक्शन है उसका भी पब्लिकेशन हुआ है, और 1952 में ही बैड डे भी अपीयर हुआ। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर निसिम एजकिल ज्वाइंड द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया एज एन असिस्टेंट एडिटर? यानी कि किस वर्ष में निसिम एजकिल साहब, हम सब जानते हैं वो एक एडिटर भी थे, प्रोफेसर होने के साथ साथ पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, ठीक प्रोफेसर भी थे और एडिटर भी थे। तो द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया जो जनरल छपता था उसमें एक असिस्टेंट एडिटर के रूप में उन्होंने कब उससे जुड़े? 1951 में, 1952 में, यानी 1951, 1952, 1953 या 1954। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1953। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच इंडियन पोइट इन इंग्लिश वर्कड एज ए ब्रॉडकास्टर ऑन आर्ट एंड लिटरेचर फॉर ऑल इंडिया रेडियो? कौन सा ऐसा भारतीय इंग्लिश पोइट है जिसने आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र में ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्टर के रूप में भूमिका निभाई? कमला दास, आर के नारायण, राजा राव, निसिम एजकिल। तो राइट वन इज ऑप्शन डी, निसिम एजकिल। नाउ द नेक्स्ट वन इज हु वर्क्स एज एन एडवर्टाइजिंग कॉपीराइट
सॉरी हु वर्क्स एज एन एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर एंड जनरल मैनेजर ऑफ ए पिक्चर फ्रेम कंपनी। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि उस व्यक्ति का नाम, उस राइटर का नाम जिसने कि एक पिक्चर फ्रेम कंपनी के लिए जनरल मैनेजर की भूमिका निभाई है, एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर की भी भूमिका निभाई है। तो ऑप्शन आपके सामने है निसिम एजकिल, बी अनिता देसाई, सी आर के नारायण और डी कमला दास। तो राइट आंसर इज निसिम एजकिल साहब ने एज एन एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर और एज ए जनरल मैनेजर की भूमिका एक पिक्चर फ्रेम कंपनी के लिए निभाई है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर निसिम एजकिल वर्क एज ए विजिटिंग प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। एजकिल साहब ने किस वर्ष में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में एज ए विजिटिंग प्रोफेसर कार्य किया, अपनी सेवाएं दी, 1961 में, 1962 में, 1963 में या 1964 में? द राइट आंसर इज 1964 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के लिए एज ए विजिटिंग प्रोफेसर अपनी सेवाएं दी हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज हूज पोइम इज द बॉर्न। चार नीचे लिखे हुए राइटर्स में से आपको बताना है द बॉर्न पोइम किस राइटर की है, कमला दास, निसिम एजकिल, अनिता देसाई या श्री अरविंदो? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निसिम एजकिल साहब की पोइम है द बॉर्न। अगला क्वेश्चन है आपका इन विच ईयर निसिम एजकिल पास्ट अवे, यानी किस वर्ष में निसिम एजकिल जो है उनकी मृत्यु हुई। ऑप्शन ए 2003 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2006 में? तो साहब निसिम एजकिल साहब की अगर हम मृत्यु की बात करें वो कब पास्ट अवे हुए, तो भैया उनकी मृत्यु जो है वो हुई है 2004 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर निसिम एजकिल पब्लिश्ड द डैम्ड प्लेस। किस वर्ष में निसिम एजकिल साहब का द डैम्ड प्ले पब्लिश हुआ? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1972? तो भैया इनका जो द डैम्ड प्ले है वो पब्लिश हुआ है 1969 में, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर निसिम एजकिल ट्रांसलेटेड जवाहरलाल नेहरूज पोइट्री फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी। किस वर्ष में निसिम एजकिल साहब ने जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई कविताओं को अंग्रेजी से मराठी में ट्रांसलेट किया? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1977 में या ऑप्शन डी 1978 में? तो साहब जवाहरलाल नेहरू की पोइट्री जो है उसको इंग्लिश से मराठी में ट्रांसलेशन जो है बुक एजकिल साहब ने किया है 1976 में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हुज पोइटिक कलेक्शन इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किस राइटर का पोइटिक कलेक्शन है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? कंफ्यूज मत होना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का वर्क है, लेकिन जब पोइटिक कलेक्शन पूछा जाए तो वो वर्क है निसिम एजकिल साहब का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड एजकिल पब्लिश द डेडली मैन। एजकिल साहब की का वर्क जो है द डेडली मैन उसका पब्लिकेशन कब हुआ? 1983 में हुआ, 1924 में हुआ, 1952 में हुआ या 1960 में हुआ? तो राइट ऑप्शन इज डी 1960 में पब्लिकेशन होता है द डेडली मैन का। नाउ द नेक्स्ट वन इज हु रोट ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। किस लेखक की पोएम है ए पोएम ऑफ डेडिकेशन? जयंत महापात्रा, विक्रम सेठ, निसिम एजकिल या रामानुजन? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, निसिम एजकिल साहब की पोएम है ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 44 ए पोएम ऑफ डेडिकेशन इन ए पोएम ऑफ डेडिकेशन हु आर हर्ड बट नेवर सीन। जब हम निसिम एजकिल साहब की पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह दिखाया गया है कि आवाज़ सुनाई देती हैं लेकिन कभी दिखाई नहीं देते, तो वो कौन है? मदर है जिसकी आवाज़ सुनाई देती है दिखाई नहीं देती, फादर है, बच्चे हैं या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, चिल्ड्रन आर हर्ड बट नेवर सीन, ये बात उसमें पोएम में कही गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 45 निसिम एजकिल बिकेम आर्ट क्रिटिक ऑफ द नेम्स ऑफ इंडिया। निसिम एजकिल जो हैं उन्होंने आर्ट क्रिटिक के रूप में भी अपना काम किया है द नेम्स ऑफ इंडिया के लिए, तो वो किस वर्ष में आर्ट क्रिटिक बने नेम्स ऑफ इंडिया के, कब तक रहे? 1960 से 1962 तक, 1962 से 1964 तक, 1964 से 1966 तक,
या 1966 से 1968 तक, तो राइट आंसर इज 1964 से 1966 तक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निसिम एजकिल बर्ट एज ए विजिटिंग प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी इन द ईयर। निसिम एजकिल साहब ने एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपनी भूमिका निभाई, एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में भी निभाई है, तो वो किस वर्ष में? तो भैया ऑप्शन आपके सामने है, 1965 में, 1966 में, 1967 में या 1968 में। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1967 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 47। फॉर विच वर्क निसिम एजकिल वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। किस वर्क के लिए निसिम एजकिल साहब को साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, द बैड डे, द डेडली मैन, द एग्जैक्ट नेम या लेटर डे पाम। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है, दोबारा फिर से रिपीट हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। अगला क्वेश्चन है 48। हाउ मैनी प्लेज आर रिटन बाई निसिम एजकिल। एजकिल साहब ने कुल कितने प्लेज लिखे, 2, 3, 4 या 5? तो ऑप्शन बी जो है 3 प्लेज लिखे हैं निसिम एजकिल साहब ने। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 आपसे पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन ए सीरीज ऑफ पोएम्स एंटाइटल वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश। यानी कि किस पोइट ने एक सीरीज ऑफ पोएम्स लिखी है जिसका नाम है वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश। आपको उस राइटर का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, कमला दास, अनिता देसाई, किरण देसाई या निसिम एजकिल। और द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, निसिम एजकिल। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम एंटरप्राइज। एंटरप्राइज पोएम की थीम क्या है? ऑप्शन ए मेटाफोरिकल जर्नी, ऑप्शन बी रिलीजन, ऑप्शन सी करप्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो भैया राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मेटाफोरिकल जर्नी। ये जिसको हम अलगाव कहते हैं हिंदी में, तो इनकी पोएम एंटरप्राइज जो है वो मेटाफोरिकल जर्नी को व्यक्त करती है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको दिए इस वीडियो के माध्यम से, निसिम एजकिल से कनेक्टेड। सभी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कई क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में जैसा कि मैंने लिखा भी है आ चुके हैं, आगामी परीक्षाओं में इन क्वेश्चंस के आने की बहुत अधिक उम्मीद है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।